आदिकाल में सब सनातनी थे, आदिकाल में सब सनातनी थे। किसी का इतिहास 400 वर्ष का है, किसी का 500 का, किसी को 200 का, किसी को 300 का, लेकिन हमारा इतिहास त्रेता युग आज से कितने लाख वर्ष पहले था। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। हमारे राम जी 8,70,000 वर्ष के पहले के हैं। बालक को हम कहते हैं भारत को अगर विश्वगुरु बनाना है, देश को सुरक्षित रखना है, देश में अगर आनंद चाहिए तो राम जैसा बेटा चाहिए, और राम जैसा बेटा पढ़ाना बनाना है तो अकबर महान है ये कहला करके परवाह करके बेटा महान नहीं बनेगा ना राम बनेगा। रामायण और गीता से ही राम के भाव उत्पन्न होंगे। एक बार का हो के एक मोटरसाइकिल वालों चलो जात, तो रात को टाइम हो तो सिपाही ने रोके, रुक रुक। ओ बोलो हम रुक नहीं सके, सो सिपाही पाछे पाछे भगे ऊ चलो जाए। सिपाही बोलो रुक क्यों नहीं, तो धारे बोले नहीं रुक सकते। सिपाही बोला साले तुम्हारा तुम्हारे ऊपर चालान होना है, लाइट नहीं है तुम्हारी गाड़ी में, रात का कहीं ठोक दोगे तो गड़बड़ हो जाए। अरे बोले सामू से भग जाओ, लाइट भी नहीं है और ब्रेक भी नहीं है। आहो हाँ भाई हमने ठोक डालता तुम्हारा पूरा चालान कट जाए सब यार। हाँ इधर हटो एक तरफ, अब बताओ भी मौका मिले तुम्हें काम करना, कभी बागेश्वर धाम जाना और वहाँ धीरेन्द्र कृष्ण से नहीं मिलना, वहाँ तुम धीरेन्द्र कृष्ण नामक व्यक्ति से नहीं मिलना, सीधा मंदिर चढ़ जाना, हाथ में नारियल लेना और उस लाल लाल बजरंग बली को देखना और कह देना बस खत्म, आज से तू हमारा और हम तुम्हारे। ऐसा साथी मिलना तो है किस्मत की बात, अब काहे का डरना बाबा जब तू मेरे साथ। विश्वास रहे मुझे सही गलत का भेद, कि हमें कोई भी काम कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। कोई भी बात बोलने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो और फिर कुछ डिसीजन लो। इससे आप गलत बात बोलने से बचेंगे, गलत फैसले लेने से बचेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जल्दबाजी में लिए गए फैसले ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हमें कई बार हमारी लाइफ में ऐसा लगता है कि कोई हमें ओवरपावर कर रहा है, या हम बहुत दबे हुए महसूस कर रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है, हर छोटी से छोटी चीज हमें हर्ट हो जाती है। और ये चाहे लोगों से हो सकता है, सिचुएशन से हो सकता है, रिश्तों से हो सकता है, पर पता है ऐसा क्यों होता है? जब हम उन लोगों को या उन सिचुएशंस को, उन रिश्तों को इतना पावर देते हैं कि वो हमें ओवर पावर कर सके, ये सब तभी होता है। और जहां अपने वो पावर उनसे छीन लिया, वो वैल्यू अपने लाइफ से खत्म कर दी या कम कर दी, अपने आप आपको वो चीजें हर्ट होना बंद हो जाती है। आज एक बहुत बड़ा रीजन है ग्रोथ नहीं होने का कि हम सुनते ही नहीं। आप YouTube पे कोई वीडियो भी अगर चला रहे हैं, हमारे सुनने की कैपेसिटी इतनी कम है कि कुछ सेकंड सुनेंगे, अगर उनको लगेगा कि मेरे लिए एंटरटेनिंग है तो ठीक है, अदरवाइज वापस स्वाइप कर दो, हटा दो। क्यों? नहीं भी हुआ वेट ना, थोड़ा सुन लो। बट सुनने की कैपेसिटी इतनी कम हो गई है लोगों की, और मैं ये हमने सेशंस में भी कहती हूँ कि कोई कारण है दो कान और एक मुंह है, कि बोलो कम सुनो ज़्यादा, क्योंकि बोलोगे उतना ही जितना पता है, पर सुनोगे तो शायद वो पता चल सकता है जो नहीं पता है। राम जी ला खूब मया करो, ए दाई दादा मन तुरा तुरी मन, राम राम जोहार, जय छत्तीसगढ़। याद रखना जी, संसार के भरोसे तुम जी रहे हो, ये जमाना ना किसी का था ना किसी का है ना रहेगा।
तब तक लोग तुम्हें पूछेंगे जब तक तुम्हारे पास संपत्ति है। जिस दिन जीवन में संपत्ति गई, विपत्ति आई, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में लोग कटना प्रारंभ कर देंगे, लोग भागना प्रारंभ कर देंगे।